19वीं सदी के आखिरी सालों में शायद यह हुआ हो। मद्रास की गर्मी थी, रात को सोते आदमी पर शाक्य मुनि की तरह पहला सत्य उतरा। पहला सत्य यानी दुख है। क्या है दुख? नींद नहीं आ रही। इसके बाद एक एक कर बाकी तीन सत्य भी उजागर होते हैं। दुख का कारण है मच्छर जो सोने नहीं देते। दुख का उपाय है मच्छरों से बचाव। और आखिरी सत्य है कि दुख से निदान का रास्ता है मच्छरदानी। इसी बीच वेदांत में दीक्षित बगल में सोया मनीषी कहता है कि ये सब माया है, जो दिख रहा है सिर्फ वो ही सत्य नहीं है, मच्छर सोने नहीं देते ये बात आधी है, असल में उनसे न दिखने वाली मलेरिया जैसी बीमारी भी होती है। बगल वाला पूछता है ये ज्ञान कैसे हासिल होता है? कीमत देनी होती है, सामने से जवाब आता है। कितनी कीमत? 8 आने प्रति मच्छर। 21वीं सदी में आज हम जानते हैं कि मलेरिया कैसे होता है, दवाई भी है, लेकिन एक वक्त था जब दुनिया में लाखों लोग हर साल मलेरिया से ही मर जाते थे, और दवाई तो दूर, ये भी नहीं पता था कि मलेरिया मच्छरों से होता है। इस बात की खोज भारत की धरती पर हुई थी। कैसे हुई थी, किसने की, और ये 8 आने प्रति मच्छर वाली कहानी क्या है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 16 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है मलेरिया से। 1895 की बात है, एक अंग्रेज डॉक्टर ब्रिटेन से भारत पहुंचे। इंडियन सिविल सर्विस की तरह तब इंडियन मेडिकल सर्विस हुआ करती थी, और ये सज्जन IMS के तहत अपनी सेवाएं देने पहुंचे थे। तैनाती मद्रास में थी, और मद्रास का नमी वाला वातावरण मच्छरों के लिए माकूल था, और उनसे होने वाली बीमारियां भी हुआ करती थी वहां पे। कुल मिलाकर मद्रास में रहना खतरे का काम था, और यहाँ मरीज भी ज्यादा हुआ करते थे। फिर एक रोज IMS का संदेश आया और डॉक्टर का तबादला कर दिया गया राजपुताना में। यहाँ शुष्क वातावरण में मच्छर आदि कम हुआ करते थे। देखा जाए तो ये लॉटरी थी। हर डॉक्टर मद्रास से दूर जाने में भलाई मानता था, लेकिन इन डॉक्टर साहब के लिए नहीं, वो पोस्टिंग रोकने के लिए अड़ गए, और जब IMS तैयार नहीं हुआ तो इस्तीफे की धमकी भी दी। डॉक्टर की जिद का कारण था उनका मच्छर प्रेम। वो मलेरिया के कारण पता करने के आखिरी चरणों में थे, और इसके लिए उनका मद्रास में ही रुकना जरूरी था। डॉक्टर का नाम था रोनल्ड रॉस। 1857 की क्रांति की शुरुआत के 3 दिन बाद यानी कि 13 मई को रोनल्ड रॉस की पैदाइश हुई थी। अपने शहर यानी उत्तराखंड के पहाड़ी जिले अल्मोड़ा के हैं, बोल हम रहे हैं लेकिन शब्द हमारे राइटर दोस्त के हैं जिनका शहर अल्मोड़ा है। कमल जी की बात कर रहा हूँ। पिता ब्रिटिश आर्मी में जनरल हुआ करते थे। 8 साल की उम्र में रोनल्ड को पढ़ाई के लिए लंदन जाना पड़ा। यहाँ मेडिसिन की पढ़ाई की इन्होंने, और 1881 में IMS में शामिल हुए, भर्ती हो गए। उसी साल लौटकर भारत आए, और मद्रास, बर्मा सहित अंडमान तक कई जगहों पर पोस्टिंग्स उनको मिलती रही। 1883 में बेंगलुरु में भर्ती के समय एक खास चीज पर उनकी नजर गई। बेंगलुरु में उनके बंगले में काफी मच्छर होते थे। उन्होंने ये पाया कि बाकी बंगलों की तुलना में उनके घर में मच्छर ज्यादा थे। इसका कारण जानने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर एक पानी का खुला बर्तन था जिस पर मच्छर मंडराते रहते। उन्होंने बर्तन में देखा तो उन्हें उसमें मच्छर के लार्वा मिले। फिर रॉस ने बर्तन खाली करा दिया, और अगले कुछ दिनों में पाया कि मच्छर कम हो गए हैं। रॉस ने बात अपने सीनियर्स को बताई और कहा कि अगर हम ऐसी पानी वाली जगह हटा दें तो मच्छर कम हो। उनके सीनियर्स ने जवाब दिया कि इन्हें ईश्वर ने बनाया ताकि हम दुख सहना सीख सकें, क्रिश्चियंस थे सब, हमें प्रकृति के संतुलन में दखल देने का कोई हक नहीं है। मेडिसिन की दुनिया में तब पैट्रिक मैनसन का बड़ा नाम था। वो ट्रॉपिकल मेडिसिन के पितामह माने जाते थे। रोनल्ड ने ये बात उन्हें बताई तो उन्होंने रोनल्ड से मलेरिया पर शोध करने को कहा। पैट्रिक के अनुसार भारत इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। यहाँ नमी थी और खूब मच्छर होते थे, गर्मी भी थी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बेसिक जो चीज़ें होती, भारत वैसा ही है। अगले कई सालों तक रॉस ने मलेरिया पर शोध किया। बेंगलुरु के मिलिट्री हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने मलेरिया पर अपनी पहली हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा मलेरिया मल में होने वाले संक्रमण के कारण होता है। इसी दौरान उन्हें चार्ल्स लेवरन नाम के एक फ्रेंच वैज्ञानिक के बारे में पता चला, जिन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में कहा था कि मलेरिया एक परजीवी से होता है जो मिट्टी में मिलता है। रॉस ने कई मरीजों के खून का टेस्ट कर परजीवी तलाशने की कोशिश की। जब नहीं मिले तो उन्होंने लेवरन की बात को गलत बताया। उन्होंने लंदन जाकर ये बात अपने मेंटर पैट्रिक को बताई। पैट्रिक ने उन्हें एक नई थ्योरी के बारे में बताया जिसके अनुसार मच्छर जब किसी मलेरिया के मरीज को काटता है तो वो परजीवी उसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जब मच्छर अंडे देता है तो मलेरिया का परजीवी पानी में चला जाता है, और इसी पानी को पीने से लोगों को मलेरिया हो जाता है। रोनल्ड के लिए ये नई थ्योरी थी। वो तुरंत भारत लौटे और दोबारा रिसर्च शुरू की। मिलिट्री हॉस्पिटल में MH में वो मलेरिया के केसेस खोजने लगे।
जो भी मलेरिया का मरीज दिखता उसकी उंगली से खून का सैंपल ले लेते। ये बात इतनी फैल गई कि मरीज उनसे भागने लगे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल स्टाफ ने मलेरिया मरीजों की फाइल छुपाना शुरू कर दिया। इसके बाद रोनाल्ड ने खून के बदले पैसे देना शुरू किया लोगों को। उन्होंने कुछ मच्छरों को पकड़ा और कोशिश की कि वो मलेरिया के मरीजों को काटें। खून टेस्ट में परजीवी वाली बात साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कुछ मच्छरों को पानी की बोतल में डालकर ये पानी चार लोगों को पीने को दिया। इन चारों को कुछ नहीं हुआ, यानी मलेरिया पानी से नहीं फैलता था, उनको कन्फर्म हुआ। पैट्रिक की थ्योरी यहाँ फेल हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पैट्रिक को एक खत लिखा और अपनी एक नई थ्योरी दी, जिसके अनुसार मच्छर की लार में मलेरिया का परजीवी हो सकता था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए उन्होंने मच्छरों से पहले मलेरिया के मरीजों को कटवाया और फिर इन्हीं मच्छरों को स्वस्थ लोगों पर छोड़ा। ये एक्सपेरिमेंट भी फेल रहा, किसी को मलेरिया नहीं हुआ। रॉस निराश हो चुके थे, लेकिन गलती उनकी नहीं थी। वे जिन मच्छरों का इस्तेमाल कर रहे थे वो क्यूलेक्स प्रजाति के थे। इस प्रजाति के मच्छर मलेरिया ट्रांसमिट नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पत्नी को इस बात के बारे में लिखकर बताया भी कि शायद मैं सही मच्छर इस्तेमाल नहीं कर रहा। वहीं उनके मेंटर पैट्रिक इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनके अनुसार मच्छर जिंदगी में सिर्फ एक बार लोगों को काटता था। इसी बीच रोनाल्ड को ऊटी जाने का मौका मिला। यहां उन्हें अपने कमरे की दीवार पर एक अलग सा मच्छर दिखा, जिसे उन्होंने झुके हुए पंखों वाला मच्छर नाम दिया। ये एनाफिलीज मच्छर था, लेकिन रॉस इसे मलेरिया से नहीं जोड़ पाए। अगले 2 सालों तक उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। फिर जुलाई 1897 में रॉस की मुलाकात हुई हुसैन खान से। हुसैन मलेरिया से पीड़ित थे। उन्होंने हुसैन से 8 आने प्रति मच्छर का सौदा तय किया, यानी एक मच्छर को खून पिलाने का 8 आना। ऐसे 20 मच्छर लेकर उन्होंने उन पर शोध किया और 20 अगस्त को इस बात की तस्दीक कर दी कि एनाफिलीज जाति का मच्छर अपने अंदर मलेरिया का परजीवी लेकर चल सकता है। मलेरिया के कारण की खोज हो चुकी थी। इसी तरह दिसंबर 1897 में उनका रिसर्च पेपर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा। इस मौके पर कवि दिल रॉस ने कविता भी लिखी थी, जिसका हिंदी में तर्जुमा कुछ इस तरह से है। उच्चारण पे, हमारे पढ़ने के तरीके पे माफ कीजिएगा। लाखों की हत्यारी और मृत्यु, बहते आंसुओं और धधकती सांसों के बीच मैंने तेरे मक्कार बीजों को ढूंढ निकाला है। 1888 में रॉस का ट्रांसफर राजस्थान हुआ। यहाँ मलेरिया होना दुर्लभ बात थी, शुष्क वातावरण में मच्छर कम होते हैं। लेकिन फिर भी रॉस ने अपनी रिसर्च जारी रखी। तब बायोलॉजिस्ट मानते थे कि मलेरिया सिर्फ इंसानों को हो सकता है। रॉस ने कुछ कबूतरों पर रिसर्च कर पता लगाया कि पक्षियों को भी मलेरिया होता है। इस बीच IMS से आदेश आया कि मलेरिया की रिसर्च छोड़ो और असम जाओ। रॉस नाराज थे। उन्होंने अपने खत में लिखा कि मानो कोलंबस को अमेरिका का छोर दिखते ही नॉर्थ पोल भेज दिया जाए। IMS अधिकारियों के बारे में वो बोले, जो कर सकता है उसे करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो नहीं कर सकता वो बॉस बना बैठा है। इस फिताशाही से तंग आकर रॉस ने इस्तीफा दे दिया और अगस्त 1898 में लंदन लौट गए। जाते जाते उन्होंने सरकार को सलाह दी कि झुके पंखों वाले मच्छर से मलेरिया होता है और इसे रोकने के लिए खुले स्थान पर पानी भरने से रोकना चाहिए। अपने जीवन के अंत तक वो इन उपायों को लागू करने में लगे रहे। उन्होंने प्राइवेट फंडिंग से मॉस्किटो ब्रिगेड की शुरुआत की और अफ्रीका के कई देशों में सफाई अभियान भी चलवाए। 1902 में स्वेज कैनाल कंपनी के अध्यक्ष ने उनसे इस्माइलिया में मलेरिया रोकने में मदद मांगी। यहाँ कनाल के काम में लगे हजारों मजदूर मलेरिया की चपेट में आ रहे थे। रॉस ने यहाँ आकर सफाई अभियान चलाया और सिर्फ 1 साल के अंदर इस्माइलिया से मलेरिया पूरी तरह गायब हो गया। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों ने इसे सैनिटरी बोल्शेविज्म का नाम दे दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्पेन, ग्रीस और पैनामा जैसे देशों ने रॉस से मदद लेकर अपने मलेरिया पर काबू पाया। अपनी खोज के लिए 1902 में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया और साल 1932 में आज के दिन उनकी मृत्यु हो गई। आज का शो यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी सूचना और आप लेकर चले जाइए। आपके पसंदीदा शो अब ऑडियो फॉर्मेट में भी आपको मिलेंगे। सुनिए ललन टॉप का नया पॉडकास्ट बाजा। डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप को एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में, और हर जगह ये आपको मुफ्त मिलता है, iOS पे भी और प्ले स्टोर पे भी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। ललन टॉप का सबसे ठस ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है ललन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ ललन टॉप ऐप पर।